हेलो एवरीवन, तो आज इसकी वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कि सेंस ऑर्गेन्स कितने होते हैं और कौन कौन से सेंस ऑर्गेन्स होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी और बहुत यूज़फुल लगेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम किड्स के एजुकेशन और उनकी डेवलपमेंट के लिए उनके रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं और न्यू लाते रहते हैं। तो और आज जो भी एक्टिविटी करने वाले हैं उसमें हमारी नन्ही प्यारी सी जन्नत हेल्प करने वाली है। से हाय जन्नत। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। तो आज की एक्टिविटी के लिए मैंने कुछ बेसिक सी चीज़ें रखी है जो हमारे घर में बिल्कुल अवेलेबल होती हैं। इससे बच्चों को सेंसरी ऑर्गेन्स की एक्टिविटी या उनके फंक्शंस क्या होते हैं उनको समझने में काफ़ी उनको हेल्प मिलेगी। तो एक्टिविटी करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से सेंस ऑर्गेन्स होते हैं। तो जनर, आप मुझे बताओगे कि सेंस ऑर्गेन्स कितने होते हैं? फाइव। कितने सेंस ऑर्गेन्स होते हैं? फाइव। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? फाइव। वेरी गुड। आप मुझे बताओगे कि ये क्या है? आईज, नोज, टंग, ईयर। वेरी गुड। तो आप मुझे कोई भी एक सेंस ऑर्गन्स बताओगे कि आईज के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन यूज होता है? एनक। वेरी गुड। तो यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट पड़े हैं इसमें आप कौन सा आईज के लिए यूज कर रही हैं? एनक। वेरी गुड। तो आप एनक लगा सकते हैं ना आईज पे? लगा के दिखाओ। आप यूज कर सकते हैं ना आंखों के लिए? ठीक है। इसका क्या फंक्शन होता है? वी सी With our eyes. Very good. तो हम आँखों से देख सकते हैं ना? चलें ठीक है, अब ये उतारो। अब आप मुझे बताओ नेक्स्ट ऑर्गेन कौन सा होता है? नोज। नोज के लिए आप कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगी? नोज के लिए आप कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे? कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे? परफ्यूम। ये क्या है? आप परफ्यूम से क्या कर सकते हो? आप परफ्यूम से क्या कर सकते हैं? स्मेल कर सकते हैं। वेरी गुड। आप स्मेल करें। अब आप स्मेल करें। क्या हो रहा है? गुड स्मेल। आपको स्मेल आ रही है? आप नोज से क्या कर सकते हैं? आपको कैसे पता चला नोज के फंक्शन का? जब आपने स्मेल किया। आपने ये स्मेल किया कैसे? किया करके दिखाओ। वेरी गुड। आपने ये स्मेल किया तभी आपको पता चला कि नोज का फंक्शन स्मेल करना होता है, सूंघना होता है। वेरी गुड जनत। अभी हम नेक्स्ट, आप मुझे बताओ कि कौन सा सेंस ऑर्गन होता है? टंग। ये क्या है? टंग। टंग का कौन सा फंक्शन होता है ये हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है जी? ओके। ये मेरे पास है हनी और ग्रेप्स। अच्छा, आप अब टेस्ट करो। टेस्ट कैसा है? स्वीट। मीठा है ना? मीठा है ना हनी का टेस्ट? ओके। और उसके बाद अभी ये क्या है? ग्रेप्स। अब टेस्ट करो। थोड़ा खट्टा है और थोड़ा मीठा है, थोड़ा सॉर है, थोड़ा
तो आपको कैसे पता चला कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये बिटर है? तो हमारी टंग का क्या फंक्शन होता है जनर? टेस्ट करना। क्या फंक्शन होता है? हाँ, किस चीज से हम टेस्ट करते हैं? टंग से। वेरी गुड। ठीक है, हमें टेस्ट, टंग हमें टेस्ट का बताती है कि टेस्ट अच्छा है, खट्टा है, मीठा है या बिटर है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। ओके जनत, हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन होता है सेंस ऑर्गेन्स कौन सा होता है? ईयर। ईयर का कौन सा फंक्शन होता है? अभी मैं म्यूजिक चलाऊं या सॉन्ग चलाऊं, आप कहाँ से सुनेंगी? ईयर से। ईयर का क्या फंक्शन होता है? सुनने का। आप कहाँ से सुनती हैं? वी सी विद आवर, सॉरी, वी ईयर विद आवर ईयर। आप कहाँ से सुनती हैं? ईयर से। आप कहाँ से सुनती हैं? ईयर से। ईयर का कौन सा फंक्शन होता है? सुनना। वेरी गुड जनत। अभी हमारी नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो है, वो क्या है? स्किन। वेरी गुड। स्किन हमें कैसे पता चलेगा स्किन का फंक्शन? जब हम करेंगे अभी। ठीक है, अब ये क्या है? बियर। टेडी बियर को आप टच करो, टच करो। ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है। अच्छा, अभी ये क्या है? कप। ये क्या है? आप टच करो, टच करो। ये हार्ड है कि सॉफ्ट है? हार्ड, इट इज हार्ड। ठीक है, हाउ डू यू फील? ये कैसे फील किया आपने जब आपने इसको टच किया? टच की, आपने टच किस चीज से किया है? स्किन से। ठीक है, और आपको इसका कैसे पता चला कि ये हार्ड है? जब आपने टच किया। ओके, आप टच करके देखो वंस। ओके, ये क्या है? हार्ड, इट इज हार्ड। हार्ड बहुत सख्त है ना, हाथ लगाओ, बहुत सख्त है ना। ठीक है, और ये क्या है? तो ये सारी हमारी सेंस ऑर्गेन्स होती हैं, आपको पता चल गया ना? ठीक है।